गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल में हम लोग मेनली लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल ये सब पढ़ लिए थे। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद भी हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ है तो जैसे मैं बताया हूँ 10-12 बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ के और पीरियोडिक टेबल जरूर बनाइए, अपने से बनाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कल जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ टर्म्स होते हैं जो यूज होते हैं, तो हम उस टर्म्स के बारे में थोड़ा बात करें। तो जनरल टर्म्स, कुछ जनरल टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक टर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या इसको नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। एक ही एक होता है टिपिकल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट, ये भी आपको बार बार यूज होगा। एक होते हैं ब्रिज एलिमेंट, और एक डायगोनल रिलेशनशिप। तो आइए हम लोग एक-एक करके देखते हैं क्या होगा अगर कोई आपसे कहे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट, तो आप क्या समझेंगे जरा देखिए। जान लीजिए एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनर्ट गैस छोड़ के, उन्हीं को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी डी और एफ में क्या है ना, हर जगह वेरिएबिलिटी मिलेगी आपको, कहीं कुछ एक्सेप्शंस इतने हैं इसमें। तो एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखिए एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये क्या हो गया, एस और पी वाले को बोलते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए जरा टिपिकल एलिमेंट, टिपिकल थर्ड पीरियड जो होता है ना, थर्ड पीरियड मैंने आप जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड पीरियड कहलाता है जिसमें मैग्नीशियम भी आता है। इनको टिपिकल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स कैसा कंपाउंड बनाएंगे यही बताते हैं। तो आप इन्हें ये भी तो बता सकते हैं, बताते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि डी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, डी ऑर्बिटल की अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत तरह से इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, ये ठीक से नहीं बताता है। और इसमें तो हाइड्रोजन छोड़ के बाकी किसी में है ही नहीं एलिमेंट, तो यही जो है अपने ग्रुप का नेतृत्व करते हैं ये। तो ये थर्ड पीरियड वाले टॉपिक लीजिए, टिपिकल एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस, एक्सेप्ट इनर्ट गैस आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स, आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट the properties of other elements of their respective group members, of their respective group members। और उसके नीचे लिख लीजिएगा कि these are, ये कितने होंगे बच्चों, P3 है तो कितने होंगे, दीज आर सेवन एलिमेंट,
these are seven elements, कहां से कहां तक? N से CL तक, these are seven elements. अब तीसरा ब्रिज एलिमेंट, ये क्या होता है ब्रिज एलिमेंट? तो ब्रिज एलिमेंट होता है, ये वेरीफाई किए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विच एक्ट एज ब्रिज, विच एक्ट एज ब्रिज, दैट इज देयर प्रॉपर्टीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रुप्स, their properties and combination of two different group elements. मतलब कि जैसे मैग्नीशियम है, मान लीजिए तो ये मैग्नीशियम जो है एक तरफ तो सोडियम से कुछ कुछ प्रॉपर्टी शो करता है कि हम लोग हमेशा कंपेयर क्या करते हैं, सोडियम से थोड़ा ज्यादा इससे ये, और दूसरी तरफ ये कॉपर सिल्वर गोल्ड से करता है, तो इसको क्या बोलेंगे ब्रिज एलिमेंट, ठीक है. अब नेक्स्ट ये टर्म्स है बच्चों, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोग मैंने एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक. अभी हम लोग आगे मेन जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी ये स्टार्ट होगी, वहां से आपकी पढ़ाई पीरियोडिक टेबल की असली पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी. तो देखिए नेक्स्ट क्या हमने बताया था, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप ये क्या होता है कि देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो जैसे सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, जैसे सेकंड पीरियड में क्या होता है बच्चों, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन ये सब होते हैं, इसमें क्या होते हैं आपके सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, नहीं. तो होता क्या है इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, माने लिथियम बहुत सी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसा शो करता है, बोरॉन बहुत सी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसा शो करता है, ठीक है, और सॉरी बेरिलियम, ये बेरिलियम है, और बोरॉन बहुत सी प्रॉपर्टी सिलिकॉन के जैसा सुपर. ये केवल इतने ही हैं, इतने ही हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये तीन पेयर ही हैं जिनको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं. क्यों ऐसा होता है ये तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप लिख लीजिए कि सम एलिमेंट्स ऑफ पीरियड टू, माने सेकंड पीरियड, सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड सो रिलेशनशिप, सो रिलेशनशिप बने, सो सम आइडेंटिकल प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी, सो सम सिमिलर प्रॉपर्टी विद एलिमेंट्स ऑफ पीरियड थर्ड, विद एलिमेंट्स ऑफ पीरियड थर्ड, विद एलिमेंट्स ऑफ पीरियड थर्ड विच आर प्रेजेंट डायगोनली, which are present in diagonally opposite and it is known as diagonal relationship, and it is known as diagonal relationship. तो diagonal relationship में बच्चों केवल यही तीन pair है जो आपको याद करना है, और ये property हम लोग जब S block पढ़ेंगे या P block पढ़ेंगे तो वहां इसको पढ़ेंगे, अभी आपको केवल इसके नाम जान लेंगे. तीसरा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, बहुत बार हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नाम देंगे, ये क्या होता है जरा ये भी जान लीजिए. तो तीसरा हम लोग बहुत बार क्या देखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट ये जान लीजिए, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा. क्या डिफरेंस है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान से देखिए कल हम लोग क्या पढ़े थे, सक्रिय कर्मन फेकोनिकुजेडन,
ठीक है। तो इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, क्या होता है इसमें, D1 याद है ना, D1, D2, D3, D4 या एक्सेप्शनल D5, तो जो भी यहां से यहां तक सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, केवल इसमें नहीं होता है। तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं कम से कम एक, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, यहां से ट्रांजिशन एलिमेंट, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। लेकिन डी ब्लॉक सबको कहेंगे, यहां तक सबको डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। यानी कौन कौन डी ब्लॉक है और ट्रांजिशन नहीं है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। तो आप लोग एक दो पॉइंट लिख लीजिए इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट में। एलिमेंट्स विच कंटेन एट लीस्ट वन अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन, इन देयर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए इसको मिटा दें, अब देख रहे हैं इनर ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक होता है ना, वो ट्रांजिशन के बीच में होता है। कल ही हम लोग देखे थे थर्ड पीरियड, एक ही डब्बे में 14 एलिमेंट्स थे, तो ट्रांजिशन के बीच में होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लिख लीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी किस ग्रुप के होते हैं, थर्ड ग्रुप, आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें कौन कौन आते हैं, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये एक्टिनाइड्स नाइड्स नाइड्स दोनों लिखा जाता है, इसके 14 एलिमेंट और इसके 14 एलिमेंट, 28 एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, कुछ टर्म्स थे ये टर्म्स हो गए। अब बच्चों यहां से क्वेश्चन थोड़े स्टार्ट होते हैं, तो दो क्वेश्चन, एक तो ये कि हमने पिछले क्लास में कहा था कि सर अगर एलिमेंट्स, मैंने हमने कहा था कि अगर 10 साल बाद कोई एलिमेंट खोज हो तो उसका नाम हम लोग कैसे रखेंगे, एक तो ये, और दूसरा ये अगर मैं आपको कहूं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में तो आप कैसे समझ जाएंगे उसका एटॉमिक नंबर या उसका ग्रुप बता देंगे, पीरियड बता देंगे, तो अब हम लोग ये देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे नेमिंग करेंगे। देखिए जब एलिमेंट्स का खोज होने लगा और खोज होते होते आगे लोग बढ़ गए और क्या आया, 104 एलिमेंट, जो एसी होता है ना, एसी माने यहां क्या होता है, एस्केंडियम, इट्रियम, लेंथेनम और एसी, ऐसे होता है ना एक जगह, कहां, थर्ड में, एसी 103 होता है। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, 104 में आया रदरफोर्डियम, क्या आया, रदरफोर्डियम।
तो साइंटिस्ट लोगों में थोड़ा सा आपस में वो होने लगा कि जैसे पहले क्या होता था, 20 साइंटिस्ट हैं, एक उनके हेड हैं, सब लोग मिलके कोई चीज खोजे, लेकिन जो हेड करते थे हेड का ही नाम होता था, किसने खोजा तो ये खोजे, ऐसा थोड़ी है नील्स बोर खोजे तो अकेले नील्स बोर खोजे होंगे। तो ये पूरा अब क्या है कि अब चूंकि जो स्टूडेंट है वो भी चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, मेरा भी तो वो है उसमें। तो जब ये 104 वाला खोज हुआ तो कुछ लोग कहने लगे इसका नाम रहेगा क्वार्कजोनियम, कुछ लोग कहे नहीं इसका नाम रदरफोर्ड के नाम पे रदरफोर्डियम, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम होने लगा। तो साइंटिस्ट लोग कहे कि हटाओ, अब आगे से जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके नेम सिंबल आईयूपीएसी होंगे, और कुछ अगर नाम रख भी दिया जाए तो उस नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम उनका दे दिया जाएगा, लेकिन आगे से अब क्या होगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को ही हम लोग फॉलो करेंगे। क्या है ये आईयूपीएसी, जरा देखिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और ये किसके लिए होता है, 100 के फॉर एटॉमिक नंबर मोर देन 100 या मोर देन 100 के लिए ये था। लेकिन इसके लिए कुछ रूल था, एक तो रूट वर्ड और एक सफिक्स, एक क्या था रूट वर्ड और एक क्या था बच्चों सफिक्स। सफिक्स क्या लगाते हैं हम, आई यू एम, क्या लगाते हैं आई यू एम। जैसे मान लीजिए ये नंबर है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 इतने नंबर है। तो इन नंबर्स के लिए एक वर्ड बोला गया कि जब भी 0 आएगा हम लिखेंगे निल, 1 आएगा अन, क्या लिखेंगे अन, 2 आएगा बाई, 3 आएगा ट्राई, 4 आएगा क्वाड, अब ये मत लिखिएगा कैपिटल और स्मॉल उसका कोई दोस्त नहीं, 5 आएगा पेंट, 6 हेक्स, 7 सेफ। वहां क्या था, जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो वहां साथ को क्या बोलते हैं, एट को ऑक और 9 को नॉन, तो यहां ऐसे 9 को यहां एन बोलते हैं, सॉरी यार एन। तो आपको अगर कोई भी नेमिंग करनी हो, जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं 105 के लिए लिखिए, तो आप 105 का नाम जानते हैं क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 105 का नाम, अन पहले इसका सिंबल अन निल यूएनपी, उसका सिंबल हो गया यूएनपी, और नाम क्या होगा ऐसे लिखेंगे अन निल पेंटियम, क्या नाम लिखेंगे अन निल पेंटियम। जैसे मान लीजिए 112 एलिमेंट है तो आप कहेंगे अन अन बायम यू यू बी, और इसका नाम क्या लिखेंगे अन अन बायम। तो अगर कोई भी खोज, अब आप सोचिए ना कि अगर 455 का भी खोज हो गया, आप कहेंगे अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, 4 माने क्वाड, तो आप कहेंगे क्वाड पेंट पेंडियम, नहीं तो आप किसी के भी बारे में बता सकते हैं कि ये नेमिंग होगा। बच्चों हम लोग अब आगे चल रहे हैं देखने कैसे ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालते हैं। तो आइए ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालना जान गए, उसके बाद हम लोगों को पीरियोडिक टेबल से मुक्ति, फिर हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो आइए डिटरमिनेशन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक।
कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। देखिए इसमें अलग अलग चीज है, एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा है ना, तो पहले हम वही देखते हैं केस वन क्या, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो हम कैसे निकालते हैं पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। पीरियड तो आसान है, पीरियड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा एन होगा वही पीरियड होगा, ठीक, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। अभी हम बताएंगे ये क्या है, कैसे देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यही सेल को भी बताता है और यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है। चलिए देखिए तो पीरियड बताना आसान है, ब्लॉक कैसे बताते हैं, ब्लॉक, ब्लॉक क्या था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो कैसे बताते हैं हम लोग, अक्सर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जहां जाता है उसी को कहते हैं ब्लॉक। तो सबसेल, ब्लॉक माने सबसेल होता है, सबसेल वेयर लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन माने जहां ये रहते हैं, ठीक है, रिवाइव, जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको कहते हैं हम लोग ब्लॉक। और ग्रुप कैसे निकालते हैं, जरा ग्रुप के बारे में देखिए। अब देखिए ग्रुप के बारे में अलग अलग बातें हैं, जैसे अगर हमें कहना है कि वो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को मैं लिखूंगा G1, तो आप समझ जाइए लास्ट में क्या होगा उसके, NS1। अगर हम सेकेंड ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2, ठीक, तो आप ये देख के समझ जाएंगे। इसके पहले एनर्ट गैस होगा, इसके पहले एनर्ट गैस होगा, एनर्ट गैस के बाद ही तो होता है। उसी तरह अगर हमें पी ब्लॉक, ये तो एस ब्लॉक के लिए था, ये दोनों एस ब्लॉक के लिए था, एस ब्लॉक के लिए, अगर हमें पी ब्लॉक के लिए देखना है तब क्या होता है, पी ब्लॉक के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें 12 ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी, कौन सा पी, लास्ट पी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, और कौन सा पी सबसेल, लास्ट वाला। तो इससे हमें निकल जाता है पी ब्लॉक। अगर हमें डी ब्लॉक निकालना है, हमें डी ब्लॉक निकालना है तो डी के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी के लिए 2 प्लस एन माइनस 1 डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस 1 डी सबसेल। और एफ के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, एफ जितने भी हैं सब के सब थर्ड ग्रुप में होते हैं, सब किसमें होते हैं, थर्ड ग्रुप में, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ ट्रिक ही नहीं लगा है। इतना ट्रिक अगर आप करते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। आइए जरा देखें हम लोग एक एक क्वेश्चन करके, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, ये पहले नोट कर लीजिए आप लोग, चूंकि यहां तो नहीं रहेगा ये, मैं कहीं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं कोने में, G1, G2 ना, तो G1, G2 में NS1, NS2 आपको नोट कर लिए। P के लिए क्या होगा, ये S के लिए था, P के लिए क्या होगा 12 प्लस P के इलेक्ट्रॉन, और
डी के लिए क्या होगा, 2 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एनपी के इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये एनपी के इलेक्ट्रॉन और ये एन माइनस वन डी के इलेक्ट्रॉन, बस तो इससे निकल जाएगा हमारा क्या ध्रुव। आइए अगर आपसे मान लीजिए कहे इस क्वेश्चन से हम लोग करके देखते हैं, मान लीजिए आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं कहूं कि आप बताइए 1s1, चलिए इसके बारे में डिटरमाइन करिए क्या क्या ग्रुप पीरियड और ब्लॉक, केवल उतना लिख दे और कहे बताओ ये पीरियोडिक टेबल में कहां कहां है। तो देखिए 1 आया, ये यही मैक्सिमम है या मिनिमम है, जब इतना ही लिखा ही है तो हमारा पीरियड क्या हो गया 1। अच्छा ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहां गया इलेक्ट्रॉन एस में, एस ब्लॉक, और ग्रुप एस वन है, वहां देखिए एस वन माने फर्स्ट ग्रुप। तो इसके बारे में आप तीनों चीज बता दिए, आप समझ जाएंगे ये वाला चीज कहां है, फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट ग्रुप में, एस ब्लॉक में, माने क्या है ये हाइड्रोजन। तो ऐसे आप समझ जाएंगे। सेकंड देखते हैं हम लोग, अगर आपसे कहता है केवल नियॉन और कुछ नहीं दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं दिया, तो आप जानते हैं नियॉन क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। नियॉन क्या है, नियॉन है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के लास्ट में क्या होता है, P6, क्या होता है P6। तो जैसे P6 आप समझ गए, तो देखिए आप जान जाएंगे ना हीलियम नियॉन, हीलियम पहला पीरियड, नियॉन दूसरा पीरियड, तो पीरियड क्या हो गया 2, ब्लॉक क्या हो गया पी ब्लॉक, और ग्रुप क्या हो गया, तो देखिए पी ब्लॉक के लिए एक रूल है क्या, 12 ऐड करते हैं, तो 12 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18 ग्रुप, जो मेंडलिफ के जमाने में 0 ग्रुप था। ठीक है, आइए तीसरा करते हैं, मान लीजिए मैं कहूं 1s2, 2s2, 2p1, इसके लिए बताइए, तो मैक्सिमम n की वैल्यू क्या है 2, इसलिए पीरियड क्या हो गया 2। ठीक है, ग्रुप सॉरी ब्लॉक क्या हो गया, ब्लॉक हो गया आपका पी ब्लॉक, क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप क्या हो गया, तो पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 12 ऐड कर दीजिए 13 ग्रुप, कोई दिक्कत। चलिए लिखते भी जाइए, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, मान लीजिए हो गया। अब आपसे ये पूछे, तो देखिए कौन सा पीरियड होगा, कौन सा ब्लॉक होगा और कौन सा ग्रुप होगा, PBG, यही है ना, तो PB को G ना, G से आदर देते हैं, PBG। चलिए पीरियड कौन सा होगा, सबसे ज्यादा n की वैल्यू क्या है 4, तो फोर्थ पीरियड, ब्लॉक D, तो D ब्लॉक, ग्रुप D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो D के लिए क्या रूल था, आपको याद भी होगा कि 1 में 3 थे मेंडलिफ के समय में, आयरन और 2 और थे, ठीक है, कोबाल्ट और निकल। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, और अगर आपको देखना है मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हो, यहाँ लिखा है ज़ेनॉन, ठीक है, और ज़ेनॉन के बाद मान लीजिए आपको लिखा है 4F7 5D1 6S2, मान लीजिए ऐसे। अब आप कैसे समझेंगे, पीरियड जरा बता दीजिए हमें, पीरियड क्या होगा,
सबसे ज्यादा वैल्यू 6, तो 6 पे लिए, ठीक है। ब्लॉक क्या होगा, तो ये अभी खाली है, ध्यान रखना होगा ये अभी खाली है, ये भी खाली हो, ये भी खाली हो, तो इसको कहेंगे जो पहले है, तो एफ ब्लॉक। और पीरियड एफ ब्लॉक के जितने भी होते हैं बिना सोचे थर्ड पीरियड, जब पता चल गया एफ ब्लॉक तो थर्ड पीरियड, चाहे कोई भी हो, बोलिए ठीक है। अगर मैं एक और कहूं क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के बाद आपको दिया है 4d10 5s2, मैं रुका लिख रहा हूं इसको, लगभग में लिखना है, हाँ बताइए, पीरियड 5, कोई दिक्कत, पीबीजी ब्लॉक, क्या डी ब्लॉक बोलते हैं, बोलिए डी ब्लॉक बोलते हैं, हाँ डी ब्लॉक बोलते हैं, क्यों अभी क्यों, भला तो एस भी है, क्योंकि एस ब्लॉक तभी होता है जब एनर्ट गैस के बाद केवल एस आए, एनर्ट के बाद डी वगैरह नहीं आए, इसलिए क्या होगा डी ब्लॉक। अच्छा क्वेश्चन हो गया है ना। और ग्रुप, तो जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप क्या होगा, परमाणु ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं, एक दो और कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट भी करते जाइए, ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं केवल जेनॉन की बात करूं, जेनॉन बस कुछ लिखा ही नहीं है, तो आपके मन में तुरंत आएगा लास्ट में क्या है, P6, ये तो वहीं जाएगा, और जेनॉन क्या है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन, कहां है, छठवें नंबर पे, तो इसका पीबीजी, पी क्या होगा 6, ब्लॉक पी ब्लॉक, ग्रुप इस ग्रुप में 18, कैसे P6 है ना, 6 में कितना जुड़ेंगे 12, तो 12 6 18। एक्चुअली ये कोई फॉर्मूला और रूल नहीं है, ये ट्रिक है कि जिससे हमें क्वेश्चन में अगर आ रहा है तो हम लोग आंसर निकाल सके कि किस तरह से करें। अच्छा एक और क्वेश्चन, अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं ये है जेनॉन, ठीक है, और जेनॉन के बाद ऐसे लिखा है 4f0 5d0 6s2, तो देखिए डी जीरो और एफ जीरो माने कुछ नहीं, इसका मतलब इनर्ट गैस के बाद क्या है, एस है, तो हम क्या करेंगे, पीरियड तो 6 लेकिन ब्लॉक एस ब्लॉक, और ग्रुप सेकंड, ऐसा नहीं, इस तरह से थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचना पड़ेगा, ठीक है। आइए आगे, एक आपको मैजिक नंबर में बताया था पिछले क्लास में, क्या था मैजिक नंबर, 2 8 8 18 18, तो कभी कभी हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो मैजिक नंबर से हम लोग करते हैं, तो आइए देखते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ये केस वन था यानी टाइप वन, अब टाइप टू, टाइप टू माने किस तरह से हम लोग निकालेंगे ग्रुप पीरियड और ब्लॉक का, ये देखते हैं मैजिक नंबर्स। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन टाइप टू में, कि व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, क्या दिया हुआ होगा, एटॉमिक नंबर इज गिवन, तो अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो तो क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई एटॉमिक नंबर है और आपको कह रहा है कि आप बताइए उसका पीरियड या ग्रुप या जो भी, तो देखिए जैसे मैं मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लिथियम को ही ले लीजिए या सोडियम ले लीजिए, ठीक है,
तो मैं कह रहा हूं ये सोडियम के बारे में पता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है। अब आपको बताना है कि अगर ये 11 है तो हम लोग कैसे निकालें इसका पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, जो भी। तो आप जानते हैं कि अगर ये 11 है आपको कुछ कुछ याद रखना होगा। क्या क्या, जरा समझिए। आपको याद रखना होगा कि यहां हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब इसके बाद वाले का अगर आपको निकालना है, इसमें 2 ऐड करेंगे, इसके बाद 8 ऐड करेंगे, इसके बाद 8 ऐड करेंगे, इसके बाद 18 ऐड करेंगे, और इसके बाद क्या ऐड करेंगे, 2 बार 18। ये 8 हो गया क्या, 2 8 8 18 18, और इसके बाद 32 ऐड करेंगे। इस तरह से ये जान गए। और उसी तरह से हम लोग डी ब्लॉक का भी देख सकते हैं। डी ब्लॉक में क्या होगा, जैसे हमने बताया था कि एस ब्लॉक का क्या होता है मैजिक नंबर, 2 8 8 18 18 32 32। पी का क्या था, एक एनर्ड गैस छोड़ के 8 8 18 18 32, ऐसे था। और डी ब्लॉक का क्या था, तो एक स्कैंडियम का अलग था, बाकी सबका तो आसान था। एक स्कैंडियम वाले का 18 18 32, बाकी का केवल 18 32, और एक स्कैंडियम वाले का 18 18 32। अब अपने की सर नहीं समझ में आ रहा ठीक से क्या आप कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं अगर आपसे कहूं, मैं आपसे कह रहा हूं आयरन, मैं आपसे कह रहा हूं आयरन, तो देखिए आयरन सरल है, तो आयरन, तो आयरन में क्या होगा 26, आयरन क्या होता है 26। अब मैं आपसे कहूं आयरन के नीचे वाले के बारे में बताइए, तो आप क्या करेंगे, 18 ऐड कर लीजिए, तो ये पक्का है कि 44 जो उसके नीचे होगा उसका एटॉमिक नंबर 44 ही होगा, है ना। चलिए मैं इसको अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा, कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, दूसरे सर आ गए हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।